टर्न ऑन नोटिफिकेशन बेल, डोंट मिस अपडेट्स। दोस्तों हाजिर हूं मैं आपके सामने टेक्निकल दोस्त फैमिली के प्यारे प्यारे कमेंट्स लेकर। बचना ऐ हसीनों तो मैं आ गया, ए बचना ऐ हसीनों लो मैं आ गया। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं हितेश कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल दोस्त। दोस्तों कमेंट पढ़ने से पहले जियो से संबंधित दो कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं। सबसे पहला कंफ्यूजन तो ये है कि क्या जियो प्राइम मेंबर बनने के बाद हर महीने रिचार्ज कराना जरूरी है। भाई देखो एक बात निकल के आई है, वो ये कि आपको 90 दिनों तक का समय दिया जाएगा, आप 90 दिनों के अंदर अंदर रिचार्ज करा लो। यदि आपने 90 दिनों तक भी कोई रिचार्ज नहीं कराया तो 90 दिन बाद आपकी जियो प्राइम मेंबरशिप खत्म कर दी जाएगी। तो आपको 90 दिनों तक का तो समय मिल जाता है कि 90 दिनों के अंदर अंदर तक तो आप रिचार्ज मत कराओ, लेकिन 90 दिन से अगर ज्यादा हो जाते हैं तो फिर आपकी जियो प्राइम मेंबरशिप खत्म कर दी जाएगी। दूसरा कंफ्यूजन ये है कि क्या बिना रिचार्ज कराए भी फ्री कॉल रहेंगी? नहीं भाई, बिना रिचार्ज कराए कोई फ्री कॉल नहीं है, इनकमिंग रहेगी बस। और आपको फ्री कॉलिंग या फ्री एसएमएस या डाटा जो भी आपको प्रयोग करना है, यानी वॉइस कॉल की बात कर रहा हूं, तो रिचार्ज करा के ही आपको वो सुविधा मिलेगी, अन्यथा आपको सुविधा नहीं मिलेगी। अगर आप रिचार्ज नहीं कराते हो तो इनकमिंग रहेगी, कॉलिंग नहीं कर पाएंगे आप, रिचार्ज ही कराना होगा आपको कॉल वगैरह करने के लिए। सबसे पहला कमेंट है ओबराय प्रोडक्शन का, कह रहे हैं कि भाई बहुत से लोग सिंगल भी हैं तो आप गर्लफ्रेंड वाली बात बोल करना गलत करते हो। भाई इतना मतलब पर्सनली मत लो, मैं तो बस मजाक करता हूँ। और पता है आपको एक अजीब बात, जब आप कपल होते हो ना तो आपको सिंगल व्यक्ति बड़ा खुश दिखाई देता है, और जब आप सिंगल होते हो ना तो आपको कपल बहुत खुश दिखाई देता है। दूसरा कमेंट है न्यू टेक्निकल सागर का, कह रहे हैं कि भाई आप डांस इंडिया डांस में चले जाओ, आप फर्स्ट हो गए। भैया धक्के मार के बाहर निकालेंगे मुझे वो। गुरप्रीत जी कहते हैं यू आर रॉक भाई, आप बहुत एंटरटेनिंग और आपकी टेक न्यूज भी बहुत अच्छी है, और आपने जो सुसाइड टाइम पे बात कही है वो उसका कोई जवाब नहीं। थैंक यू गुरप्रीत जी। और पता नहीं लोग क्यों आत्महत्या करना चाहते हैं, वैसे लोगों की आदत होती है कि जो चीज उनके पास होती है ना उस वक्त उसकी कदर नहीं करते। यदि आपके पास चीज है और आप उस वक्त उसकी कदर करना सीख जाओ ना तो बाय गॉड बहुत खुश रहोगे। फैज अमीन जी कहते हैं इस ड्रेस ने तो मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए, माशाल्लाह बहुत स्मार्ट लग रहे हो, क्या बात है भाई। भाई नहाया हूं आज मैं। शुभम राव जी पूछते हैं क्या गूगल ड्राइव सेव है, इसमें कोई और तो हमारे फोटो नहीं देख सकता ना? नहीं भाई सेव तो है, लेकिन फिर भी अपने सेंसिटिव फोटो इसमें मत रखो, क्योंकि कुछ एम्प्लॉयज को अलाउ होता है कि आपके डाटा को वो देख सकते हैं। अंशुमन जी कहते हैं भाई आप ऐसी वीडियो बनाते जाओ, गॉड ब्लेस यू। इन्होंने एक शेर भी लिखा है, किसी ने पूछा भगवान से कि कैसे तेरी पूजा करूं, तो भगवान ने बोला खुद भी तू मुस्कुरा औरों को भी मुस्कुराने की वजह दे, बस हो गई मेरी पूजा। सचित कुमार जी कहते हैं कि आपकी एंट्री का स्टाइल गजब है और देखकर ऐसे लगता है कि बस गले लग जाएं। लग जा गले के फिर, मुझे इस सिचुएशन पे ये गाना कुछ ठीक नहीं लग रहा। मिस्टर प्रिंस जी कहते हैं आई लव यू ब्रो, मैं आपका फैन हो गया दिल से, और आई विश कि आपका चैनल फर्स्ट नंबर पे आए। थैंक यू प्रिंस। और पता है ये जरूरी नहीं है कि आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं, जरूरी ये है कि आप कितने सब्सक्राइबर्स के दिल में बसते हो। जोया खान जी सिर्फ स्माइली भेजती हैं, तो ये जोया खान जी के लिए जी कुछ लिख भी दिया करो। रिंकी पाल जी पूछ रहे हैं कि कोई ट्रू वेबसाइट बताओ ऑनलाइन अर्निंग की। रिंकी पाल जी मैंने वीडियो बनाई है हाउ टू मेक मनी, एक बार आप देखो आप संतुष्ट हो जाओगे। आओ सिखाए कहते हैं कि यदि मैं कलर्स का मालिक होता तो टेक्निकल दोस्त हिट होता, मूवी बना गया, तीन चार कहां यूट्यूब में घुस गए। अंतिम कमेंट है सॉन्ग का, सॉन्ग इनका नाम ही सॉन्ग है, कहते हैं कुछ नया करो रे भाई। कितना नया करूं, क्या दोबारा पैदा होके आ जाऊं क्या मैं? तो आज की कमेंट बॉक्स में बस इतना ही, और जिनके कमेंट्स मैंने नहीं पढ़े उनसे हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा, गुस्सा मत हुआ करो आप। मिलते हैं अगले कमेंट बॉक्स में, और तब तक ख्याल रखिए खुद का, अपनी फैमिली का और अपनी गर्लफ्रेंड का। दोस्तों पति और पत्नी एक पार्टी में बैठे थे, तो पत्नी ने एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा ये जो डीजे पे नाच रहा है ना दारू पी के, इससे 5 साल पहले मेरा रिश्ता टूट गया था। पति कहता है साला अब तक खुशी मना रहा है।